जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और जितना भी स्टूडेंट गाइस इस वीडियो को देख रहा है, वह जो है जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है। इसलिए मैं रेगुलरली आपके लिए एक 15 जो है मार्क्स का जो है यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता हूँ। और आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन लगाने के बाद आप में कुछ इंप्रूवमेंट आता होगा। और जो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने यह क्लासेस आपको क्वेश्चन करवा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज हमने क्वेश्चन क्लास में कर रखा है। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है रेगुलर बने रहते हैं और आप लोग को अपने मार्क्स जरूर बताना है आपको कि कितने मार्क्स आपने गेन किया है। चलिएगा, देखिएगा, आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था आपको, तो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, गाल्जी काय में, राइबोसोम्स में, केंद्र आपका केंद्रक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 3 सेकेंड में आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग को कमेंट्स करना है कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा, राइट आंसर की बात कर लूँ मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या, डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को प्रेस किया है तो आपका सही आंसर होगा कि आपका एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कल मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था तो मुझे 16 से क्वेश्चन स्टार्ट करना था, ये देखिएगा। ठीक है, चलेगा, अगला यह मतलब आज का पहला ही क्वेश्चन है क्योंकि कल मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवा रखा था। देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है आपके स्क्रीन पर, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है आपको। तो देखिए, आपका फर्टिलाइजेशन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है, आपका एक्रोसोम या फिर आपका परिपक्व अणु, अंडाणु या फिर आपका ध्रुव कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को प्रेस किया है तो बिल्कुल सही होगा, परिपक्व अंडाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है, खुरदुरा ईआर या फिर आपका चिकना ईआर, गाल्जी काय या फिर राइबोसोम। तो यह आपको सेल्स टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को सेल्स टॉपिक भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ रखा है। चलिएगा, करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, क्या आंसर होगा, तो राइबोसोम अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही होने वाला है। क्या होगा, निम्न में से कौन सा आपका वसा का संश्लेषण का स्थान है, तो आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपको, युवाओं का अधिकतम अनुपात है, क्या है, युवाओं का अधिकतम अनुपात है आपका विस्तृत, आपका विस्तृत समशिष्ट में या फिर आपका स्थायी समशिष्ट में, फिर आपका घटती समशिष्ट में या फिर आपका विस्तृत समशिष्ट और स्थायी समशिष्ट दोनों में। चलिए, क्या आंसर चूज करते हैं आप लोग, तो देखिएगा, वेरी गुड, अगर आप सभी विद्यार्थियों का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ओके, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका आपका विस्तृत समविष्ट में ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। गाइस, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है क्योंकि इनके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, इसलिए आपको खुद से ही इसे नोट डाउन करना पड़ेगा। अल्कोहल उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई वह है, बेसिला आपका सबटिलिस या फिर आपका होगा सेक्रोमाइसिस सिरोविस या फिर आपका ई कोलाई या फिर आपका स्यूडोमोनास, बताइएगा, सारे के सारे विद्यार्थी आपको बताना है गाइस। अगर आपको सेशन हमारा पसंद आता होगा शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो आपका होगा बेसिला ही इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा रखा है आपको, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, हिचकी का कारण है जिसकी नियंत्रित संकुचन अमाशय या फिर आपका अंत्र पार्श्व की पेशी या फिर आपका तंतुपट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो तंतुपट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गाइस करेक्ट है, जिन भी आंसर नंबर जो है आंसर सी किया होगा, सी चूज किया होगा, उनका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा आपसे कि केडमियम प्रदूषण से होता है, केडमियम प्रदूषण से होता है, क्या होता है इससे, मिनी माता रोग होता है, आपका ब्लैक फुट रोग होता है या फिर आपका स्केलेटरल
फ्लोरिसिस जो होता है या फिर आपका इटाई इटाई रोग होता है। चले कैडमियम की कमी से तो आपको पता है यह इटाई इटाई रोग होता है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पर आपको कमेंट्स करके बताना है हमें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मधुमक्खी पालन का वनस्पतिक उत्पाद क्या है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मधुमोम या फिर आपका शहद, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या सभी बच्चा क्या ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या? चलिए मतलब ए भी सही है बी भी सही है, उपरोक्त सभी उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने सी को चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होने वाला है। चलिएगा चलते हैं आगे गाइस, इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट डाउन करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा आपको, आपका विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या कहा हमने, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ में डीएनए योम आरएनए दोनों ही, केवल आरएनए, ओनली ऑन आपका डीएनए, या फिर आपका कुछ विषाणुओं में डीएनए योम, कुछ में केवल आरएनए, क्या आंसर होने वाला है आपका? तो गाइस अगर आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर आ रहा है डी तो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही कहेंगे। चलेगा आगे चलते हैं, देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है आपका हार्ट डाइल्यूट सूप किसके द्वारा दिया गया, आपका आपरिन या फिर आपका है आपका हेडेन या फिर आपका यूरे या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं, क्या आंसर होगा? चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ, आपका हेल्डेन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है क्या होगा, अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हेल्डेन आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी तो मैं आपको जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपका ऐसा ही प्यार बना रहा है, अधिक से अधिक आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए फिजिक्स के भी क्वेश्चन और केमिस्ट्री को भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लाने वाला हूँ। मतलब आपके लिए गाइस हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सके और आपको उसका जो है लेवल भी पता चल सके। देखिएगा आपका स्तनीय कार्पल्स लुटियम्स का मुख्य कार्य निम्न को उत्पादित करना है, केवल रिलैक्सेशन या फिर आपका मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रॉपिक या फिर आपका प्रोजिस्टोन या फिर आपका एस्ट्रोजन, करेक्ट आंसर की बात कर लेगा इस क्या होगा, तो आपका प्रोजिस्टोन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है इन्होंने, इनको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में दैनिक लय का निगमन करने के लिए कौन सा हार्मोन्स महत्वपूर्ण कार्य करता है, मेलाटोनिन या फिर आपका थाइमोसिन या फिर आपका ऑक्सीटोसिन या फिर आपका ग्लूकागोन। चलिए अगर आप सभी के ही ऑप्शन नंबर आ रहा है ए तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका, मेलाटोनिन इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपने ए चूज़ किया है तो। चलिए गाइस आगे चलते हैं, ये सारे गाइस मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, अगर आप लोग रेगुलर हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग 6 बजे से लेकर तो आपको पता होगा। देखिए किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है उत्सर्जित होती है, मतलब उत्सर्जन होता है, फ्रांस में या फिर आपका अमेरिका में, इंडिया में या फिर आपका ब्रिटेन में। तो करेक्ट आंसर की बात कर ले गाइस तो आपका होगा USA, क्या होगा USA आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आपने बी को चूज़ कर लिया है तो। देखिएगा बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि चोटग्रस्त होने पर पुनर्जन्म की क्षमता किसमें नहीं पाई जाती है, तंत्रिका ऊतक में, अर्धचर्म में या फिर आपका टेंडन में या फिर आपका चिकने ऊतक में। चलिएगा करेक्ट आंसर कितना स्टूडेंट का सही आ रहा है, आपने क्या आंसर चूज़ किया है, तो तंत्रिका ऊतक आपका सही आंसर होगा, नर्वस टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं और इसे क्या क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने हमसे। तो आपका रिलैक्सेशन स्त्रावित होता है। गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग 100+ नंबर नहीं लाएंगे क्या? अरे दावा है हमारा, समाधान स्टेट से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग धुएं में उड़ाएंगे। रिलैक्सेशन स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, एड्रिनल से या फिर आपका व्रसन से। चलेगा वेरी गुड, मुझे पता है आप लोग रेगुलर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या होगा आपका? ओवेरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ से बहता है आपका? यह ओवेरी से बहता है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइबोफ्लोविन जो है ये क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी। रथ पर एक टॉफी मैंने आपको बताया है। रेटिन देखिएगा, ये का मान क्या है? रेटिनॉल, ये तो होगा नहीं। थायमिन है क्या? विटामिन बी, चलिए ये बी नहीं हो सकता। विटामिन सी टोकोफिराल होता है और ये कोबालनिया होता है। बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लोविन। ठीक है, क्या बचा आपके पास? बी बचा है। गाइस जो ट्रिक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग को हमारी क्लास में आना पड़ेगा, हमारी मॉर्निंग सेशन से क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा और ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार होती है। गाइस मैंने आपका बॉटनी पढ़ा चुका है, आपका पूरा टॉपिक, जूलॉजी आपका पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री चल रहा है, आपका फिजिक्स भी चलता है, आपके लिए लाइव टेस्ट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अभी आपका लाइव टेस्ट होता है, डेली आपका लाइव टेस्ट होता है। ओके गाइस, आज से मैंने स्टार्ट किया और आप सभी विद्यार्थी उस टेस्ट को जरूर से देते जाइएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ आप लोग जो है सीखेंगे, सफलता लेंगे और हम आपके साथ हर जगह हर समस्या के लिए खड़े हैं। अगर कोई भी दिक्कत जाती है, कोई भी परेशानी जाती है तो गाइस इंस्टाग्राम की ID समाधान स्टडी है, टेलीग्राम में भी हमारा ग्रुप बना है, आप कहीं पर भी हमें मैसेज करके क्या करेंगे, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, जय हिंद, नमस्ते। अगर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो आप लोग को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए जय हिंद एंड नमस्ते।